गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग, मेरा नाम है इंद्रजीत कौर और आज की आजादी की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है आजादी की पाठशाला में वो है हमारा स्किन केयर। बिल्कुल सही, जब हम बात करते हैं स्किन केयर की तो हम सभी जानते हैं कि अच्छी स्किन, एक ग्लोई और एक हेल्दी स्किन जो है वो हम सभी को चाहिए और हम सभी का सपना है कि हम अपनी स्किन को जितना मर्जी हो उतना हम बेटर कर सकें, मतलब कि ग्लोई कर सकें, एज को कंट्रोल कर सकें। और अगर स्किन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई फ्लॉज है, उन्हें भी हम कंट्रोल कर सकें। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन अच्छी रहे, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन को अफेक्ट करते हैं, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब भी हम स्किन केयर की बात करते हैं तो स्किन केयर सभी के लिए जरूरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। आप मेल हैं, फीमेल है, डजंट मैटर, बट हर किसी को एक अच्छी स्किन जो है उसे पाना ही होता है। तो जब हम अच्छी स्किन की बात करते हैं, और मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, तो जब हम बहुत से फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो पॉल्यूशन में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करके हमारी स्किन में जो सेल्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो स्किन के सेल्स हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारी स्किन में हम डीजनरेशन देखते हैं, सेल्स में डीजनरेशन देखते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो स्किन है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ना सिर्फ प्रीमैच्योर एजिंग, स्किन में रेडनेस, इरिटेशन, ऐसे सभी सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू फ्री रेडिकल्स। इसी तरीके से हम सन की बात करते हैं तो सन रेज, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। नॉट एवरी काइंड ऑफ अ सन रे इज हार्मफुल फॉर आवर स्किन, बट डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। सो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी ए और यूवी बी, दोनों ही रेज हमारी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मतलब एक रे जो है वो हमारी स्किन में एजिंग कॉज करती है, हमारी स्किन में डीप पेनिट्रेट करके हमारी स्किन में जो झुर्रियां हैं वो यूवीए रेज बनाती है। और जब भी हम धूप में निकलते हैं तो स्किन में बर्निंग होती है, तो वो जो बर्निंग सेंसेशन है, वो जो जलन है धूप की वजह से, वो यूवी बी रेज की वजह से होती है। तो दोनों तरह की ही रेज जो है हमारी स्किन को हार्मफुल इफेक्ट देती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आप SPF का इस्तेमाल करें, मतलब कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर का इस्तेमाल करें, जो कि आपकी स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आता है। तो हम ये जान गए कि पॉल्यूशन और सन दोनों हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। बट इसी के साथ साथ हमारा खाना पीना, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, अगर हमारी डाइट में पोषण की कमी है, तो वो भी आपको आपके चेहरे पर नजर आना शुरू हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी डाइट को भी अच्छा करें, उसमें भी जो पोषण की मात्रा है उसे सही तरीके से अपनी बॉडी तक, अपने हर सेल तक पहुंचाएं। एंड लाइकली इसके साथ साथ हमारी जो नींद है, तो अच्छी नींद लेना भी, जिसे हम ब्यूटी स्लीप कहते हैं, तो ब्यूटी स्लीप भी हर किसी के लिए जरूरी है। तकरीबन 6 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद, अच्छी नींद से मेरा हमेशा मतलब रहता है कि एक ऐसी नींद जिसमें कि आप एक अच्छे तरीके से पूरे स्ट्रेच में सो रहे हैं, रात में आपकी नींद बार बार टूट नहीं रही है, उसे हम साउंड स्लीप कहते हैं, और वही आपकी ब्यूटी स्लीप बनती है। तो 6 to 8 hours ऑफ नाइस साउंड एंड ब्यूटी स्लीप जो है वो हर किसी के लिए जरूरी है, नहीं तो नेक्स्ट डे वो अगेन आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है कि आप रात में ठीक से सोए नहीं है, तो टायर्डनेस आपके चेहरे पर झलकती है। इसी तरीके से अच्छा क्वांटिटी में वाटर इनटेक, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन। तो हमारी स्किन में ग्लोइनेस देने के लिए, स्किन में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए सही मात्रा में पानी पीना भी हमारे लिए जरूरी है। तो गर्मियां चल रही हैं, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने भी अलर्ट ऑलरेडी डाल दिया है कि हम सभी को अच्छी हाइड्रेशन चाहिए, तो अपने पास वाटर बॉटल जरूर रखें और हर समय थोड़ा 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 पानी सिप इन करते रहें। तो हर किसी को अच्छी हाइड्रेशन की जरूरत है, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे आपकी बॉडी हो, तो इसीलिए आपका जो वाटर इनटेक है वो भी अच्छा होना बहुत जरूरी है।
तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो स्किन को अफेक्ट करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी हमें बात जरूर करनी चाहिए, और वो फैक्टर है एज। हम सभी एज तो करते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर आज मेरा बर्थडे है तो अगले साल मेरी बर्थ एज जो है वो कम हो जाएगी। हमारी जो बर्थ एज है वो हर बर्थडे के साथ, हमारे ईयर ऑफ बर्थ के साथ वो एड ऑन होती चली जाती है। तो एज जो है जस्ट अ नंबर फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली टेक केयर ऑफ देयर स्किन। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप उम्र के हिसाब से जो हमारे सेल्स वीक होते हैं उनकी फंक्शनिंग पे प्रभाव पड़ता है, उसका भी आप टेक केयर करें, और उसके लिए भी अपनी स्किन को एक अच्छी स्किन केयर जरूर दें। तो हम सभी ने ये तो समझा कि कितने सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारी स्किन को अफेक्ट करना है, लेकिन कैसे हम ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम कैसे अपने स्किन केयर रिजीम को अच्छा करके कॉम्बैट कर सकते हैं। तो जब हम अच्छे स्किन केयर रिजीम की बात करते हैं तो हमेशा हमारे जहन में आता है CTTMP, तो क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। I will repeat this: cleansing, toning, treatment, moisturizing and protection. तो ये पांचों steps जो हैं वो हर किसी की skin care का एक essential, एक अहम हिस्सा होने चाहिए। तो जब हम क्लेंजिंग की बात करते हैं, सो क्लेंजिंग एक बहुत बेसिक स्टेप है जिसमें हम अपनी स्किन को पूरी तरीके से अंदर तक सफाई देने का काम करते हैं। जो गंदगी हमारे स्किन में पोर्स के अंदर चली गई है उसे निकाल के स्किन को कंप्लीटली क्लीन करने का काम क्लेंजर करता है। लाइकली अगर हम बात करते हैं टोनिंग की, तो टोनर का काम है हमारी स्किन में क्लेंजिंग के स्टेप को कंप्लीट करना। मतलब अगर क्लेंजिंग के दौरान कोई भी सीबम, ऑयल रेसिड्यू, कोई भी आप कह सकते हैं ग्राइम या फिर डर्ट रह गई है तो उसे हमारी स्किन में से पूरी तरीके से रिमूव कर देता है टोनर, और हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। थर्ड स्टेप इज ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट हर किसी को चाहिए, नॉट नेसेसरली, लेकिन यस, आजकल जो स्किन की बढ़ती हुई समस्याएं हैं उसे देखकर हर कोई जो है ट्रीटमेंट को भी अपने स्किन केयर रिजीम का एक अहम हिस्सा बना सकते हैं। तो ट्रीटमेंट का मतलब है आपकी स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन स्पॉट्स हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, या फिर एजिंग आ रही है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन पे उसके लिए आपको ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली, ये सीरम के फॉर्म में आपको मिलते हैं अर्बन कलर प्रोडक्ट रेंज के अंदर। तो सीरम्स का फायदा ये है कि सीरम्स हमारे स्किन में डीप पेनिट्रेट करते हैं, तो जब प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन डीप होगी, अंदर तक एब्जॉर्ब करेंगे, तो उनका इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ सीरम जो है वो हमारी स्किन में जो मॉइस्चराइजर हम लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी को भी बूस्ट करते हैं। तो ये फायदा हमें सीरम्स को और ट्रीटमेंट प्रोडक्ट को यूज करने से मिलता है। नेक्स्ट स्टेप इन द स्किन केयर रेजिम इज मॉइस्चराइजिंग। सो मॉइस्चराइजिंग की जब हम बात करेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब है हमारी स्किन के हाइड्रेशन लेवल को इंटैक्ट रखना। अभी हमने पानी पीने की बात की थी, तो हमारी स्किन में हमें वाटर लेवल को मेंटेन करना जरूरी है। हमारे अगर सेल्स हाइड्रेटेड हैं, उनमें नमी है, तो आपका चेहरा ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में ग्लो करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे, तो आपने अपनी स्किन में सही मात्रा में मॉइस्चराइजर्स जरूर यूज करने हैं। सो हाइड्रेशन स्किन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप सबको ही, जैसा मर्जी आपका स्किन टाइप हो, हर किसी के लिए हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन रेस। तो हमें अपनी स्किन को सन रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है, और इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं SPF का। सो देयर आर सो मेनी नंबर्स, 14, 20, 25, 30, 50। तो ये जो नंबर्स हैं ये सिग्निफाई करते हैं कि आपको सन रेस के अगेंस्ट, यूवी रेस के अगेंस्ट कितने घंटे का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो एक SPF 10 मिनट के बराबर होता है ऑन एवरेज। तो अगर आप SPF 20 लगा रहे हैं तो सीधा सीधा मतलब है कि आपको 200 मिनट का प्रोटेक्शन मिल जाता है अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ऐसे आपने अपने लिए कोई भी जो
एक राइट नंबर है एसपीएफ का वो पिक करना होता है। तो ये पांचों स्टेप क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन, ये पांचों स्टेप ही आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और अर्बन कलर लंदन की बात करते हैं, सो अर्बन कलर लंदन एज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट रेंज, इंटरनेशनली डिराइव किए हुए फॉर्मुलेशंस आपको इसमें मिलते हैं, स्पेशली द फॉर्मुलेशंस फ्रॉम यूएस एंड इटली आपको इस प्रोडक्ट रेंज में मिल जाता है। अर्बन कलर लंदन नेम ऑफ क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स यू आर गेटिंग इन दिस प्रोडक्ट रेंज। सबसे खास बात यह है कि ये सभी प्रोडक्ट नॉन कमेरोजेनिक हैं, मतलब ये आपके स्किन पोर्स को ब्लॉक नहीं करते। तो आपकी स्किन की जो रूटीन फंक्शनिंग है, ब्रीदिंग है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर है, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होती है। तो आपका जो स्किन का फंक्शन है वो रेगुलेट होता रहता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती। तो ये इसका एक बहुत प्लस पॉइंट है। साथ के साथ अर्बन कलर लंदन के सभी प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री हैं, तो किसी तरीके का कोई केमिकल, कोई भी फ्रेग्रेंस, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें यूज नहीं हुआ है। तो कंप्लीटली आपकी स्किन के लिए सेफ प्रोडक्ट रेंज है अर्बन कलर लंदन। तो चलिए जानते हैं अर्बन कलर लंदन में आपके लिए स्किन केयर में हमारे पास कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो एक एक करके अब हम उनके बारे में आपसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके चेहरे के ग्लो के लिए, मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो है हमारा गो ग्लो। सो गो ग्लो जो प्रोडक्ट है, इट्स अ 3-in-1 प्रोडक्ट। तीन खूबियां आपको एक सिंगल प्रोडक्ट से मिल जाती हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, बहुत से लोगों का चहेता है ये प्रोडक्ट, आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाने का काम करता है। तो एक क्लेंजर भी है, मेकअप रिमूवर भी है और हाइड्रेटर भी है। तभी हमने इसे 3-in-1 कहा। तो तीन काम एक सिंगल प्रोडक्ट आपके लिए करेगा, क्लेंजिंग का इफेक्ट भी देगा, मेकअप को रिमूव भी करता है और स्किन में हाइड्रेशन देने का काम भी करता है। सारे इफेक्ट आपको प्रोडक्ट के मिल जाते हैं। एंड हम हमेशा कहते हैं कि दिस इज अ प्रोडक्ट विद द हाइड्रेटर ऑफ 6X Miracle Actives. 6X Miracle Actives basically क्या है? तो आपको 6 कौन से बड़े फायदे से मिल जाते हैं। तो इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपकी स्किन में ये एंटी एजिंग के बेनिफिट्स भी देता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन में ये एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रिंजेंट की तरह भी काम करता है, राइट? तो एक्सफोलिएटिंग एजेंट भी है और एस्ट्रिंजेंट की तरह भी काम करता है, तो हमारी स्किन में से डेड स्किन को निकालता है। इसमें बहुत अच्छे एसेंशियल ऑयल्स हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन में हाइड्रेशन देने का काम करता है। फोटो रिफ्लेक्टर्स हैं इसमें, तो हमारे स्किन में जो रेडियंट ग्लो है, जो एक चमक आती है, तो वो आपकी स्किन में गो ग्लो से आता है। और एंटी ऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी आपको मिलती है गो ग्लो से। तो आपकी स्किन में बहुत स्मूथ सा फील दे देता है ये प्रोडक्ट। तो आपको 6 तरीके के बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट से मिलते हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। एंड देन व्हाट एग्जैक्टली इट हैज, तो जब हम बात करते हैं तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी के सभी पैराबेन फ्री हैं, बट उसके साथ साथ इनकी जो डेरिवेशंस हैं, इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी कंप्लीटली वीगन एंड ऑर्गेनिक हैं। तो जब हम वीगन और ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो सीधी सीधी अगर आप इसमें इंग्रेडिएंट देखेंगे तो इसमें एजलियानिकोस ग्रेप के डेरिवेटिव्स हैं जो कि एंटी एजिंग का काम करते हैं, हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, स्किन में से जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करके स्किन को हाइड्रेट करते हैं। साथ के साथ सनफ्लावर ऑयल है, तो सनफ्लावर ऑयल जो है वो हमारे स्किन में एज अ मेकअप रिमूवर का बेनिफिट देता है और हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने मेकअप को वाइप ऑफ किया तो आपके स्किन का जो मॉइस्चर लेयर है वो भी रिप हो गया, तो ऐसा इसके साथ नहीं होता। तो आपके स्किन के जो मॉइस्चर लेवल है उसको ये मेंटेन रखता है। सुक्रोज ईस्टर है, सो सुक्रोज इज बेसिकली अ काइंड ऑफ शुगर, तो शुगर का डेरिवेटिव है ये जो कि हमारी स्किन में एक स्मूथ फील देने का काम करेगा, स्किन के टेक्सचर को एक बहुत वेलवेटी टेक्सचर बनाने में हेल्प करता है। फोटो रिफ्लेक्टर्स हैं,
जो आपके स्किन में ग्लो लाते हैं, स्किन में चमक लाते हैं, और एंटी ऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स है जो स्किन में फ्री रेडिकल डैमेज को नहीं होने देता। तो इतने सारे इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन है हमारा अर्बन कलर लंदन का गो ग्लो। अब इस प्रोडक्ट में हमने जब इसे इस्तेमाल करना है तो हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? वेरी सिंपली, यू हैव टू टेक अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लेंगे, उसे थोड़ा आप मसाज करेंगे, तो वार्म अप होने से जो प्रोडक्ट है वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? दो इट्स इन अ फॉर्म ऑफ बाम, जब आप इसे मसाज करते हैं तो ये ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। आप चेहरे को हल्का गीला करके इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें एंड देन पानी से आप इसे रिंस ऑफ कर लें। दिन में आप इसे कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए, हाइड्रेशन देने के लिए, क्लेंजिंग के बेनिफिट देने के लिए, और साथ के साथ आपकी स्किन में मेकअप रिमूवर के इफेक्ट देने के लिए। तो वंडरफुल प्रोडक्ट, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, एंड एवरीवन कैन यूज दिस एंड गेट द बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं, वी हैव अनदर प्रोडक्ट विच आर द मेकअप मेल्टिंग वाइप्स। सो वेरी इजी टू यूज प्रोडक्ट, इनफैक्ट आप में से मोस्टली हर किसी के पास ये प्रोडक्ट जो है उनके बैग में होगा, और आजकल बिकॉज ऑफ द वेदर ये बहुत इसेंशियल प्रोडक्ट हो गया है। इंस्टेंटली मेकअप को रिमूव करता है, अगर एक्सेस ऑयल है उसे आप रिमूव कर सकते हैं, और जब आप ये मेल्टिंग वाइप यूज करते हैं तो यू विल गेट टू नो, यू विल सी कि इसका जो टच एंड फील है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, तो आपकी स्किन को पील ऑफ नहीं करेगा। तो बड़ा जेंटली आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, और जो आपके जेंटल एरियाज हैं जैसे लिप हो गया, आई सराउंडिंग एरिया है, वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर तरह की स्किन टाइप के लिए एक आइडियल प्रोडक्ट है, तो आप किसी को भी इसे दे सकते हैं, इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट रेंज की जिसकी डिमांड बहुत हाई है। डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रो वाइट प्रोडक्ट रेंज। सो प्रो वाइट प्रोडक्ट रेंज जो कि हमारी स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट देती है इन टर्म्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। तो जब हम हाइपर पिगमेंटेशन की बात करते हैं, मतलब छाइयों की बात करते हैं, स्किन में अनइवननेस की बात करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकती हैं, बट मेजरली ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो रीजंस की वजह से होती हैं। सो पहला रीजन है कि जब हमारी स्किन में सन का इफेक्ट आ जाता है, तो जब हमारी स्किन में सन का इफेक्ट आता है तो उसकी वजह से हमारी स्किन ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो जब हमारी स्किन ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करेगी तो स्किन और ज्यादा डार्क हो जाएगी। सिमिलरली विद एजिंग, जब हमारी बॉडी में एजिंग का इफेक्ट होता है, स्किन में एजिंग का इफेक्ट होता है, तब भी हमारी स्किन जो है वो ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस कर सकती है। तो जब हम बात करते हैं प्रो वाइट की, तो ये प्रोडक्ट रेंज जो है ये एड्रेस करती है मेलानिन के प्रोडक्शन को। जो हमारी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन इम्बैलेंस तरीके से बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करके स्किन में वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग दोनों का फायदा हमें प्रो वाइट प्रोडक्ट रेंज देती है। मेजर फॉर्मुलेशन में मैं बात करूंगी तो इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट है। मलबरी मतलब शहतूत। तो शहतूत का जो एक्सट्रैक्ट है उसे यूज किया गया है, और शहतूत एक नेचुरल स्किन ब्राइटनर का काम करता है। सी, वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग दो बातें हम कर रहे हैं। तो ब्राइटनिंग बेसिकली होता है आपके स्किन में रेडियंस, स्किन का ग्लो, उसे वापस लाना, उसे मेंटेन करना। और जब वाइटनिंग की बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट है कि आपके स्किन में ये आपका मेलानिन प्रोडक्शन कंट्रोल करके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बेटर करने का काम करेगा। तो ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग दोनों इफेक्ट आपको प्रो वाइट के प्रोडक्ट से मिलते हैं। देन वी हैव नायसिनामाइड इन दिस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट नायसिनामाइड, तो नायसिनामाइड इज अ टाइप ऑफ विटामिन बी, और इसका भी काम है कि ये भी एक नेचुरल स्किन ब्राइटनर की तरह स्किन में हेल्प करता है डिसकलरेशन को रिड्यूस करने के लिए। देन वी हैव सोडियम हाइलुरोनेट। तो ये जो है ये हमारी स्किन में हाइड्रेशन का काम करता है। तो स्किन में हाइड्रेशन के बेनिफिट्स, मॉइस्चराइजिंग के बेनिफिट, अल्फा आर्बिटिन और ये डेरिवेटिव हमारी स्किन को बेनिफिट देते हैं। नॉन कमेरोजेनिक है, पैराबेन फ्री है, तो किसी तरीके का कोई हार्मफुल इसमें
केमिकल नहीं ऐड हुआ है। हम बात कर रहे थे द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोवाइड एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम। तो एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम ये ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, हमारी स्किन में सीरम के बेनिफिट्स देता है, मतलब स्किन में डीप पेनिट्रेट करता है और स्किन में मॉइस्चराइजिंग के जो इफेक्ट है उसके जो एफिशिएंसी है उसे भी बढ़ाने का काम करता है। तो वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। क्लेंजिंग टोनिंग के बाद आपने सीरम का इस्तेमाल करना है। अनदर प्रोडक्ट वी हैव रेडियंस डे क्रीम। तो ये जो फ्रेश रेडियंस डे क्रीम विद एसपीएफ 15 है प्रोवाइड में, इट्स बेसिकली स्किन मॉइस्चराइजर, बट ये हमारी स्किन में ब्राइटनिंग वाइटनिंग के बेनिफिट देता है। सिमिलर इंग्रेडिएंट्स से इसे भी डिराइव किया गया है, मेजरली इसमें भी मलबरी है, नायसिनामाइड है और आपको ये हाइड्रेशन के बेनिफिट्स भी देगा। तो स्किन को नेचुरली ब्राइट करता है, स्किन को क्लियर करता है, जो भी अगर कोई स्पॉट्स भी हैं तो उनको भी क्लियर करके हमारी स्किन में एक इवन सा टोन आपकी स्किन में ये क्रिएट कर देता है। और साथ में इसमें एसपीएफ 15 है, तो ना सिर्फ हमारी स्किन को ब्राइटनिंग के फायदे मिलते हैं बट साथ के साथ हमारी स्किन में ये सनस्क्रीन की तरह भी काम करेगा। तो हमारी स्किन में स्किन को सन से प्रोटेक्शन देने का काम ये भी मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम जो है ये करता है। तो दो बेनिफिट हमें एक सिंगल प्रोडक्ट में मिल जाते हैं। और इसी के साथ हमारे पास है प्रोवाइड का डे लोशन विद एसपीएफ 15। दोनों प्रोडक्ट में सिर्फ एक डिफरेंस है और वो एक डिफरेंस है कि हम क्रीम को रिकमेंड करेंगे फॉर पीपल विद द ड्राई स्किन। तो जिन लोगों की भी त्वचा ड्राई है, रूखी है, खिंची खिंची रहती है, उन्हें हम डे क्रीम रिकमेंड करेंगे। और जिन लोगों का भी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो उन्हें हम रिकमेंड करेंगे लोशन। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स। तो क्लेंजिंग टोनिंग के बाद पहले हम लगाएंगे एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम और उसके बाद एज पर द स्किन टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोशन या फिर डे क्रीम। Another product in this category we have is Provide Free Plenishing Night Cream. तो ये रात में लगाने वाला प्रोडक्ट है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं मॉइस्चराइजिंग की तो रात का जो प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये हमारी स्किन में रिपेयरिंग में हेल्प करता है। रात में जब हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिपेयर करती है, तो स्किन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी, तो हमारी स्किन भी उस टाइम पे रिपेयर कर रही होती है। तो जब स्किन में रिपेयरिंग के समय पे हम मॉइस्चराइजिंग दे देते हैं और प्रोडक्ट दे देते हैं तो वो रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है, वो फास्ट अप हो जाता है। तो हमारी स्किन में एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा मॉइस्चराइजर रिपेयरिंग को फास्टनिंग का इफेक्ट देगा। तो जब प्रोवाइड रिप्लेनिशिंग नाइट क्रीम की बात करते हैं तो इट्स अ नाइट केयर ट्रीटमेंट, तो रिपेयरिंग रिजुविनेशन का काम करेगा और साथ के साथ स्किन में जो क्लैरिटी है, ब्राइटनिंग इफेक्ट है, वो भी इस प्रोडक्ट से आ जाता है। इसमें एडिशनली शिया बटर और आमंड ऑयल डाला गया है ताकि आपकी स्किन को जो एक्स्ट्रा सॉफ्टर टेक्सचर है, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की जरूरत है, वो इस प्रोडक्ट से मिल सके। नॉन कमेरोजेनिक है तो हमारे स्किन पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है। तो वेरी इजीली यू कैन यूज दीज प्रोडक्ट्स, चाहे वो आपका सीरम है, डे लोशन है, डे क्रीम है या फिर नाइट क्रीम है। तो इन्हें आपने क्लेंजिंग टोनिंग के बाद ही इस्तेमाल करना है। दो ड्रॉप्स आप ले सकते हैं, उन्हें लेकर पूरे चेहरे पर डिवाइड कर लीजिए। आई एम रिपीटिंग, दो ड्रॉप्स लेकर पूरे चेहरे पर आप डिवाइड कर लीजिए एंड देन सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड एंड आउटवर्ड सर्कुलर मोशन में आपने ये प्रोडक्ट फेस पर अप्लाई कर देना है। राइट, सिंपल वे से आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ आई मे आस्क यू व्हाई सर्कुलर एंड आउटवर्ड एंड अपवर्ड मोशन, तो उसका रीजन है, एक तो ये सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। तो जब ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करेगा तो आपके प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन होता है। राइट, एंड सेकेंडली इट विल फॉर्म अप योर स्किन, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सही मूवमेंट में प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट एंड ब्यूटीफुल रेंज इफ वी टॉक अबाउट इन अर्बन कलर लंदन,
इज द शीट मास्क। तो हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रो वाइट शीट मास्क है जो आपके स्किन में डिफरेंट बेनिफिट्स देते हैं। हाइड्रेशन का बेनिफिट है, एंटी एजिंग का बेनिफिट है, स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट का बेनिफिट है, या फिर स्किन को एकदम से आप सपल कर देते हैं, रिजुविनेट कर देते हैं, ये इफेक्ट है। तो हर तरह के स्किन टाइप के लिए आप शीट मास्क रिकमेंड कर सकते हैं। दे आर वंडरफुल प्रोडक्ट, very easy to use product, and the quality wise जो इनका sheet है वो बहुत ही अच्छा है। In fact इतना अच्छा है कि जब आप उसे लगाते हैं तो you can feel the softness of that particular product। तो rich ingredient के blend से इसे बनाया गया जो skin को एकदम से repair करने का काम करता है, और बहुत अच्छा जो moisturization है जो skin में आप रोज पॉल्यूशन का जो इफेक्ट झेल रहे हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस का आप इफेक्ट झेल रहे हैं, तो इंस्टेंटली आपकी स्किन को काम डाउन करने का काम, रिलैक्स करने का काम, रिजुविनेट करने का काम करते हैं ये शीट मास्क। सो वी डू हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ शीट मास्क इन दिस। वन इज प्रो वाइट सुपर सूदिंग एंड एंटी एजिंग शीट मास्क विद एलोवेरा। सो एलोवेरा की तो प्रॉपर्टीज ही ये हैं, ये स्किन को मॉइस्चर करता है एंड मेनली ये स्किन को काम डाउन करता है। तो अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है, रेड है, आपको लग रहा है कि बहुत पॉल्यूशन, बहुत स्ट्रेस वो झेल चुकी है, तो आपने स्किन को काम करना है, सूद करना है, यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। अनदर प्रोडक्ट वी हैव इज एडवांस एंटी रिंकल एंड नरिशिंग शीट मास्क विद कोलेजन। तो विद कोलेजन है तो ये एंटी एजिंग शीट मास्क है जो स्किन को एकदम से लिफ्टिंग इफेक्ट देगा, क्योंकि इसमें कोलेजन है, स्किन के प्रोटीन है, तो हमारी स्किन को लिफ्टिंग इफेक्ट देने का काम करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, और स्किन में बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग इफेक्ट आपको इस प्रोडक्ट से मिल जाता है। वेरी इजिली यू कैन यूज दीज प्रोडक्ट, दे आर वेरी हैंडी एंड बहुत आसानी से कोई भी इन्हें यूज कर सकता है। दीज आर मेड फ्रॉम कोरिया, तो कोरियन प्रोडक्ट है, तो आपकी स्किन में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट जो टेक्निक्स हैं, उनका पूरा बेनिफिट ये प्रोडक्ट देते हैं। इनफैक्ट जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, यूज करने के लिए हमें कैसे इस्तेमाल करना है, आपने पहले क्लेंस किया फेस को, लेट इट गेट ड्राई, आप पैकेट में से मास्क लगाइए, उसे पूरे चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। ऑलरेडी यू विल सी कि आई एरिया और लिप एरिया उतना कटआउट होता है इसमें, तो आपने इसे फेस पर प्लेस करना है, इसे खोल के देख लीजिए, आई एरिया एंड लिप का कटआउट, तो इसको आपने पूरे चेहरे पर प्लेस कर दीजिए हल्का हल्का सा डैब करके। लीव इट फॉर 20 मिनट्स, आराम से आप अपना अच्छा सा म्यूजिक लगाइए और 20 मिनट रिलैक्स कीजिए, और 20 मिनट के बाद आप सिंपली इस मास्क को अपने चेहरे से रिमूव कर दीजिए। तो जब आप मास्क को रिमूव करेंगे तो हल्का प्रॉब्लम आपको अपने चेहरे पर फील होगा, जिसे आप नॉर्मली पैट कर सकते हैं जब तक वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। इनफैक्ट आप रात में इस प्रोडक्ट का जब इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली रिमूव द मास्क, टैप इट एंड स्लीप, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू विल सी द इफेक्ट। आपको बहुत अच्छा एक रिफ्रेश इफेक्ट जो है वो इस प्रोडक्ट का अपने चेहरे पर दिखता है। तो दोनों ही मास्क जो है एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं आपको, चाहे वो एलोवेरा मास्क है, चाहे वो कोलेजन बूस्टिंग मास्क है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, और दोनों ही प्रोडक्ट आपको बहुत बढ़िया स्किन दे देते हैं आफ्टर यूज। और इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, तकरीबन आप एक मास्क को 2 या 3 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ट्वाइस अ वीक द मास्क कैन बी यूज। आगे बढ़ते हैं, after the sheet mask the next range, the again the very most talked about range if we talk about is the age redefining from urban color london। to jab hum age redefining product range ki baat karte hain to ek aisi product range hai jo aapki skin ko bahut behtareen effect deti hai in terms of anti aging। तो जब हम एंटी एजिंग सॉल्यूशन देख रहे हैं तो एंटी एजिंग सॉल्यूशन में दिस प्रोडक्ट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज है। हमारी स्किन जैसे जैसे हम एज करते हैं तो स्किन के सेल्स वीक होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू अटैक फ्रॉम द फ्री रेडिकल, फ्रॉम द पॉल्यूशन। तो जब हमारी स्किन इन सब का प्रेशर झेलती है तो उसमें फाइन लाइंस, रिंकल्स, सैगी होना शुरू हो जाती है स्किन, उसमें लचक खत्म हो जाती है,
अंडर आई स्किन, अंडर आईज में जो है आप देखेंगे कि आई बैग्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स हमें अपने चेहरे पर दिखते हैं जिन्हें हम एजिंग के साइंस कहते हैं। तो इन सभी साइंस की जब हम बात करेंगे तो इनसे हमें अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो जब हम बात करते हैं एज रीडिफाइनिंग की, तो एज रीडिफाइनिंग इज अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट रेंज विच एक्चुअली पॉज द टाइम एंड ट्रांसफॉर्म योर स्किन। तो इसके जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे और बहुत इंस्टेंट आपको मिल जाते हैं। एंड मेन थिंग इफ आई टॉक अबाउट कि क्या यूएसपी है एज रीडिफाइनिंग प्रोडक्ट रेंज की, तो वी हैव एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स इन इट। सो एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है एक बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाया गया इंग्रेडिएंट है, एक कॉम्प्लेक्स है जो हमारी स्किन में, जो हमारा स्किन का नेचुरल प्रोटीन है कोलेजन एंड इलास्टिन, उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट अप करता है। तो जब आपकी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन सही मात्रा में बनना शुरू हो जाते हैं तो स्किन अपने आप से प्लम्प अप लगेगी। प्लम्प अप से मेरा मतलब है उसकी जो लचक है वो वापस आ जाती है। और हम कहते हैं कि 3C एक्शन ट्रीटमेंट आपको ये प्रोडक्ट देता है। सो नॉट ओनली अपलिफ्टिंग ऑफ योर स्किन इट इज डूइंग, आपके स्किन को एनवायरमेंटल डैमेज से भी बचाएगा, हाइड्रेशन भी देगा, स्किन में कोलेजन को भी बूस्ट करेगा और हमारे स्किन को एक हेल्दी एंड फ्रेश लुक देने का काम करता है। फ्री रेडिकल से भी लड़ने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट। विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, तो रेटिनॉल इज द यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट जो माना गया है हमारी स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए। तो हमारा ये जो एज रिडिफाइनिंग है, इसका एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज ऑल्सो हैज द मेजर थिंग इट हैज इज अ विटामिन ए। तो रेटिनॉल की प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी जो स्किन में कोलेजन और इलास्टिन को स्टिमुलेट करने का काम करेंगे। तो कोलेजन बनेगा, इलास्टिन बनेगा, तो ऑटोमेटिकली स्किन में जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उनके अगेंस्ट हमें बेनिफिट दिखना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ विटामिन सी है, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारी स्किन को प्रीमैच्योर एजिंग साइंस जो आते हैं फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से, जो स्किन में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी वजह से, उससे हमारी स्किन को विटामिन सी बचाने का काम करता है। हायलुरोनिक एसिड है जो हमारी स्किन में हाइड्रेशन देगा, स्किन की नमी अच्छी होगी तो स्किन में एजिंग जल्दी नहीं आती। तो हमारी स्किन में जो ड्राइनेस है वो भी एजिंग कॉज करती है। तो जब अपनी स्किन को सही तरीके से हाइड्रेट करेंगे तो ये भी हमारे स्किन में जो एजिंग का इफेक्ट है उसे डिले कर देगा। लाइट वेट प्रोडक्ट है, पोर्स को ब्लॉक नहीं करते हैं, हमारी स्किन में बहुत बेनिफिट्स देते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल पावरफुल रेंज जिसे हम एज रीडिफाइनिंग कहते हैं। आइए अब देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो वी हैव 6 पावरफुल प्रोडक्ट्स इन अर्बन कलर लंदन एज रीडिफाइनिंग प्रोडक्ट रेंज। सबसे पहला प्रोडक्ट है इसमें पावर लिफ्ट क्लेंजर। सो ये क्लेंजर है जो आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का काम करेगा। अगर कोई मेकअप रेसिड्यू है, ऑयल रेसिड्यू है, सीबम है, उसे स्किन में से निकाल के स्किन को पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। योर स्किन फील फ्रेश एंड सॉफ्ट। तो ये जो पावर लिफ्टिंग क्लेंजर है ये हमारे स्किन को पूरे तरीके से क्लीन करेगा। एंड इट ऑल्सो हैज एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स, तो ना सिर्फ क्लेंजिंग हो रही है बट साथ के साथ आपको एजिंग के इफेक्ट भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट। मिस्ट इज बेसिकली अ टोनर, तो ये हमारे स्किन में टोनिंग के बेनिफिट देगा, मतलब हमारे स्किन में क्लेंजिंग के स्टेप को भी कंप्लीट करेगा और साथ के साथ हमारे स्किन के पीएच को भी बैलेंस करता है। तो जब हमारे स्किन का पीएच बैलेंस होगा तो स्किन अपना मॉइस्चर लूज नहीं करेगी और स्किन इज मोर रेडी टू हैंडल द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो ये बेनिफिट आपको पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट के मिलते हैं। इसमें भी आपको एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो कि हमारी स्किन में एजिंग से लड़ने का काम करती हैं, एंटी एजिंग के बेनिफिट देती हैं। अदर वी हैव ब्यूटीफुल प्रोडक्ट विच इज द कोलेजन बूस्टिंग सीरम। नाम में ही इसका काम छुपा है,
कोलेजन बूस्टिंग सीरम। तो एक ऐसा सीरम जो हमारी स्किन के प्रोटीन्स को, कोलेजन को बूस्ट अप करता है, मतलब उसकी जो फॉर्मेशन है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसको बूस्ट अप करेगा, उसे बढ़ाएगा, स्टिमुलेट करेगा, जिससे हमारी स्किन ऑटोमेटिकली प्लम्पी इफेक्ट देती है। तो स्किन को रिपेयर करना, स्किन के नेचुरल जो मॉइस्चराइजर है उसको, उस बैरियर को प्रोटेक्ट करना और स्किन को प्रोटेक्शन देना, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं कोलेजन बूस्टिंग सीरम के। तो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है बट वेरी पावरफुल, वेरी गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इन द कैटेगरी वी हैव एज रिडिफाइनिंग डे क्रीम विद एसपीएफ 15। तो जब हम बात करते हैं एज रिडिफाइनिंग क्रीम की, एसपीएफ 15 के बेनिफिट्स के साथ है ये, जो कि हमें यूवीए और यूवीबी के हार्मफुल इफेक्ट से बचाएगी, और एपिलिफ्ट है, रेटिनॉल की प्रॉपर्टीज है, तो ना सिर्फ हमारी स्किन में ये हाइड्रेशन देगा बट हमें एंटी एजिंग के सारे बेनिफिट्स देगा, जिससे कि हमारे स्किन में फाइन लाइंस, रिंकल्स और स्किन का जो सैगिंग हो रहा था वो सब कुछ बेटर होना शुरू हो जाता है, स्किन कंडीशन बेटर होना शुरू हो जाती है। Another product in the line we have is a night cream. So age redefining की night cream जो है, ये एक non-greasy product है, very lightweight formulation, हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी skin में anti-aging के benefits हम इससे लेते हैं, और साथ के साथ हमारी skin की जो elasticity है, जो tone है, उसे भी ये better करेगा। तो ये भी skin में collagen और elastin को प्रोडक्शन को इम्प्रूव करके स्किन को ज्यादा फर्म करने का काम करता है। तो रात के समय हम यूज करेंगे एज रिडिफाइनिंग का नाइट क्रीम। लास्ट इन द कैटेगरी वी हैव एज रिडिफाइनिंग अंडर आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट। तो अगर आपके आंखों के नीचे एजिंग के साइंस हैं, काले घेरे हैं, पफिनेस है, यहाँ पे ग्रो फीट्स हैं, फाइन लाइंस हैं, तब आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे स्किन की जो जेंटल एरिया है, दिस इज कॉल्ड द जेंटल स्किन, बहुत थिन होती है यहाँ पे स्किन, तो वहां पे एक स्पेशल फॉर्मुलेशन है जो यहाँ पे भी कोलेजन को बूस्ट अप करके हमारे आई सराउंडिंग जो स्किन है उसको हेल्दी बनाने का काम करती है, उसको यंग बनाने का काम करती है। तो वंडरफुल प्रोडक्ट दिस इज, एंड इट इज टू बी यूज्ड अराउंड द आई। ऐसे आप यूज करेंगे इस प्रोडक्ट को, क्लेंजिंग टोनिंग करने के बाद आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट रिंग फिंगर पे लेना है, और यू कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर। सो जब आप ओपन करते हैं तो इसमें एप्लीकेटर है, तो आप एप्लीकेटर की मदद से प्रोडक्ट लगा सकते हैं, और उसके बाद आप फिंगर्स की मदद से इसे मसाज कर सकते हैं। यू कैन ब्लेंड इट एंड यू कैन फर्दर मसाज इट, ताकि आपका जो स्किन है आई सराउंडिंग एरिया में वो इंटैक्ट रहे, वो हेल्दी रहे। तो एक रेगुलर मसाज जो है आई सराउंडिंग एरिया में, वो भी आपके स्किन को अच्छा रखने का काम करती है, हेल्दी रखने का काम करती है। तो दिस इज द प्रोडक्ट रेंज ऑफ एज रिडिफाइनिंग। क्लेंजर है, टोनर है, कोलेजन बूस्टिंग सीरम है, देन वी हैव मॉइस्चराइजर, देन वी हैव आई कॉन्सेंट्रेट। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट रेंज जो है कि आपको एज रिडिफाइनिंग कैटेगरी में मिलती है। तो यहां तक हमने अर्बन कलर लंदन के स्किन केयर के काफी प्रोडक्ट की आपसे बात की। हमने बात की गो ग्लो की, हमने बात की मेल्टिंग वाइप्स की, हमने बात की प्रो वाइट प्रोडक्ट रेंज की, हमने बात की एज रिडिफाइनिंग प्रोडक्ट रेंज की, और हमने बात की प्रो वाइट शीट मास्क की। तो इतने सारे प्रोडक्ट जो है आज हमने आपसे यहाँ पे आजादी की पाठशाला में डिस्कस किए हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं, दे हैव देयर ओन वैल्यू। फैक्ट मैं ये कहूंगी कि जितने भी प्रोडक्ट आज हमने आपसे डिस्कस किए, इन सभी की अपनी यूएसपी है, इन सभी के अपने फायदे हैं, और यही फायदे आपने हर किसी तक पहुंचाने हैं, हर किसी को जिसे भी स्किन केयर का नहीं पता है उन्हें जाके आपने एजुकेट करना है, और एक सही सॉल्यूशन उनके स्किन केयर के लिए आपने उनकी रूटीन में ऐड करना है। तो आई रियली होप कि ये जो आजादी की पाठशाला ट्रेनिंग है ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो, और आप इस जानकारी को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, और अपनी भी स्किन को अच्छा करें और बाकी लोगों की भी स्किन को हेल्दी करें, ग्लोई करें। थैंक यू सो मच। गुड मोदी के मॉर्निंग।